नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 21 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे लगातार अपर सर्किट लगाने वाली रुचि सोया के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी के रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आज ये लोअर सर्किट लगा है और एक वीक में अगर आप देखें तो करीब करीब 4.47% का अप है, और एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 127.89% का इसने आपको प्रॉफिट दिया है, और अगर एक साल की बात करें तो ये 3.31% के निगेटिव रिटर्न के साथ है। इसके जो पियर्स कंपनी है उनको अगर देख लें तो अवंती फीड इसकी श्रेणी में आता है, जो 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। KRBL जो इंडिया गेट बासमती राइस है वो लगभग 46% का निगेटिव रिटर्न दिया है। टेस्टी बाइट्स इडेबल्स लिमिटेड जो है वो 12.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और वैंकीज ने लगभग 40% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और प्रताप स्नैक्स ने लगभग 45% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके पियर कंपनियों के साथ तुलना कि इसने अगर एक साल के अंदर आपको 3.31% का नुकसान दिया है तो अन्य कंपनियां इससे अधिक नुकसान दी हुई हैं। लेकिन इसमें थोड़ा आश्चर्य की बात है कि अपर सर्किट लगातार लगाने वाली कंपनी अब लगातार लोअर सर्किट में घुस चुकी है। तो यहाँ अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से कैसे निकल सकते हैं, आप कैसे मुनाफा बना सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड हैं उनको देख लें, तो आप देखेंगे कि कंपनी ने लगातार यहाँ पे निगेटिव जो है रेवेन्यू ग्रोथ किया था, जिस वजह से ये नीलाम हुई थी, और नीलाम होने के बाद इसको किसी अन्य प्रमोटर ने लिया था, जिसमें प्रमोटर के शेयर जो है 98.5% से ज़्यादा है। अब इसको अगर देख लें इसके रेवेन्यू की फोरकास्ट, तो इसमें अगर आपने निवेश किया है पिछले कुछ दिनों पहले और आपको इसमें निवेश आपका कहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसकी अगर फोरकास्टिंग को देखा जाए तो इसकी कोई फोरकास्टिंग नहीं है, क्योंकि डाटा इनसफिशियंट है। कंपनी ने अभी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक BSE NSE के ऊपर नहीं दिया है जिसके ऊपर इसकी फॉरकास्टिंग की जा सके, या इसने कोई फाइनेंशियल अपनी रिपोर्ट नहीं जारी करी है जिससे ऊपर इस कंपनी के शेयर प्राइस की फॉरकास्टिंग जारी की जा सके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 7221 है, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो मुश्किल से 43 लाख रुपए की निकल के आ रही है। और एक चीज यहाँ जो आप देखेंगे कि अभी भी जो ऑर्डर बुक है उसमें सेलिंग क्वांटिटी तैयार है लेकिन बायर तैयार नहीं है। इसके बाद एक और चीज यहाँ देखने लायक है कि आप इसमें जब देखेंगे कि डिलीवरी का परसेंट क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिलीवरी का परसेंट या तो अपलोड नहीं किया गया है या डिलीवरी का परसेंट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रही NSE के ऊपर इसकी पोजीशन। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस मोमेंट को एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार इसमें अपर सर्किट रहा है और कोई भी इसमें माल अपना बेच के राजी नहीं था, लेकिन जब इसमें सीन बदला है, जब ऑपरेटर्स या प्रमोटर ने अपने माल इसमें ला करके बेचने शुरू किए हैं, तो एकदम से हैजर्ड मचा होगा। क्यों? क्योंकि जिस भी रेट पे माल लोग लेना चाहते हैं उस रेट पे तो ऑलरेडी जो इसके पास 98.5% माल हो, या 1% में भी जो बहुत सारे लोग बड़े बड़े इसमें जो इन्वेस्टर हैं बैठे हुए, इतनी क्वांटिटी का माल अगर वो बेच रहे हों तो जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो उनका माल तो बिकेगा ही नहीं। तो आपने एक बार जो यहाँ से ऊंचाई देखी है अपने शेयर प्राइस की, वह एक वर्चुअल खुशी थी आपके पास कि आप इतने पैसे से इतने पैसे के मालिक हो गए, लेकिन एक्चुअल वो पैसा आपकी जेब में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जब माल आप बेचने जा रहे हैं तो अब आपका माल बिक ही नहीं रहा है, और माल किसका बिक रहा है, तो जो ऑपरेटर है वो ब्लॉक डील के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अपने माल को बेच ले रहा है और नीचा रेट करके बेच रहा है जिसे लोअर सर्किट लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देख लें तो आप देखेंगे कि मार्केट कैप 18,878 करोड़ रुपए की है। अगर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती गई तो निश्चित रूप से मार्केट कैप भी बढ़ते गया, लेकिन बुक वैल्यू अभी भी -158 पे जो थी वो वहीं खड़ी है, और इस प्रकार से लग रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बुक वैल्यू के अंदर निगेटिव पोजिशन पे खड़ी है। करंट मार्केट प्राइस 638 जो कह रहा है वह 600 रुपए के आसपास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके प्राइस के बढ़ने की जो यात्रा शुरू हुई थी वो 3.28 से शुरू हुई थी और 742 रुपए तक जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें अगर आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोकॉन्स को देखें, तो आप देखेंगे
कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है केवल यही है 79% जो है लास्ट क्वार्टर में, यही एक प्रोज है, बाद बाकी सारे कौनसी कौनसे हैं। अब इस कंपनी के वेबसाइट पे आते हैं तो बहुत सारी बात आपको समझ में आएगी। अब देख लीजिए आप इस कंपनी की वेबसाइट, 18,000 करोड़ की कंपनी, आप समझ सकते हैं मन्नापुरम गोल्ड लोन से बड़ी कंपनी। और भी अनेक कंपनियों का नाम आप जानते होंगे जिनकी जो मार्केट कैप है वो 10,000, 12,000 और 13,000 करोड़ के आसपास है। अगर थोड़ी सी इसकी और शेयर की प्राइस बढ़ जाती तो ये एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती, क्योंकि 20,000 के लेवल को पार कर जाती। तो अब आप बताइए कि एक इतनी बड़ी कंपनी लेकिन उसकी वेबसाइट है मुश्किल से एक पन्ने का, यही है इसकी वेबसाइट। अब आप देख लीजिए इसमें और क्या हो सकता है। अब यहां अगर देखें रीड मोर, तो रीड मोर भी आप देखेंगे तो रीड मोर हो गया, बस यही है इसकी वेबसाइट। इसके बाद बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद अगर हमने इसके यहां पर रीड मोर पुश किया तो रीड मोर पे 4 पेज का कुछ चीज लिखा हुआ है। इसके बाद बैक कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करें रीड मोर, तो आप यहां देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी और जिसकी वेबसाइट एक पन्ने की है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और प्राइस के ऊपर एक हाइप क्रिएट की गई है। और फाइनली फ्रेंड्स, जब भी हम पैसे लगाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में पैसे लगाते हैं हम बिजनेस करते हैं, हम कोई जुआ और सट्टा नहीं खेलते। तो हमें उस कंपनी के कारोबार को देखना चाहिए। अब इस कंपनी के जैसा ही एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी बड़े बिजनेस घराने ने चाहे जितनी बड़ी उसमें अपनी शेयर ले रखी हो, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज की भी हालत तो यही है। आलोक इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग के अंतर्गत तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे। आलोक इंडस्ट्रीज ने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस आप समझ सकते हैं कि 1 रुपये 36 पैसे से लेकर के और 17 रुपये तक ग्रोथ कर जाना, तो उसमें भी वही हालत हो रही है कि अपर सर्किट लगते लगते जा रहा है और लोअर सर्किट भी लग जा रहा है। तो जब भी लोअर सर्किट लगेगा तो आपका माल नहीं बिक पाएगा। चूंकि हम लोग रुचि सोया पे वीडियो बना रहे हैं तो रुचि सोया पे ही अपने को केंद्रित करते हैं। तो आप यहां पर यह ध्यान दीजिए कि आपको अपने पूंजी को प्रोटेक्ट करना था, आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना था, तो आपको कहीं ना कहीं इस बीच में बहुत सारा स्पेस आपको मिला था निकल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, ये हमारे लालच का टेस्ट करते हैं कि हम इनके साथ कितने दूर तक अपने लालच में दौड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने भी मुनाफे की एक टारगेट होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने अगर 100 रुपये का सौदा खरीदा तो हमें अगर इसमें 5 गुना मिल जाए 500 रुपये तो मैं निकल लूं। मैंने अगर 10 रुपये का सौदा खरीदा तो मुझे साहब इसमें अगर 100 रुपये मिल जाएंगे तो मैं यहां से निकल लूंगा। यह तो नहीं हो सकता, ओपन एंडेड तो हो नहीं सकती कोई व्यापार कि मैंने तो 10 रुपये में खरीदा है और ये 10 लाख रुपये का होगा तब तक इसमें बैठे रहेंगे। तो उस बीच में आपको अपने कम से कम जो लागत थी उसको इसमें से बुक कर लेना चाहिए। उसको आप अपने निकाल लिए होते तो टेंशन खत्म होती कि आपने इसमें जो पैसे लगाए थे वो पैसे आपके आ चुके हैं और जो मुनाफे के पैसे पड़े हैं उसके साथ एक बार आप रिस्क खेल रहे हैं। तो जिन भी फ्रेंड्स ने, जिन भी व्यूअर्स ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने अपना मुनाफा बुक कर लिया होगा, अपनी पूंजी निकाल ली होगी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए हैं उनको एक चीज को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि जो प्रमोटर है वह भी लोअर सर्किट लगा करके कुछ दूर आएगा, लेकिन एक बार फिर चाहेगा कि इसमें अपर सर्किट शुरू किया जाए। जैसे आपने देखा अभी टेस्ट करते हुए आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर, बार बार मैं आलोक इंडस्ट्रीज को बीच में इसलिए ला रहा हूं कि इसके साथ उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ऊपर ले जाएगा और प्रॉफिट बुक करने के लिए छोड़ेगा। तो माल जब छोड़ेगा मार्केट में तो रेट गिरेगी, तो रेट गिरते गिरते मान लो 600 से लेके 500 के आसपास लेके आएगा 400। ऐसा नहीं करेगा कि एक बार में ही इसे 3 रुपये और 5 रुपये और 100 रुपये पे ला दे, वो धीरे धीरे लेके आएगा। तो जैसे यहां पे ब्रेक लगे और जैसे ऊपर की ओर निकलना शुरू करे तो वहां आप इसमें एग्जिट कर लें, कम से कम अपनी पूंजी को अवश्य निकाल लें। तो फ्रेंड्स, केवल मेरा आपसे यही अपील है कि आप शेयर बाजार को जुआ और सट्टा न समझें, इसको एक व्यापार समझें और व्यापार समझ करके अपनी पूंजी की भी सुरक्षा करें। और जिस भी कंपनी में आप पैसे लगाएं, आपके लिए थोड़ी सी रिसर्च करना और इसके डेवलपमेंट और इसकी चीजों को जानना आवश्यक होता है। तो जान के ही पैसे लगाएं और एक टारगेट के साथ पैसे लगाएं कि मुझे यहां तक अगर इसमें मुनाफा मिल जाता है तो मुझे यहां से निकल लेना चाहिए, जिसको हम लोग टेक प्रॉफिट कहते हैं। तो आपकी एक टेक प्रॉफिट भी होनी चाहिए और एक स्टॉप लॉस भी होनी चाहिए।
क्यों? आखिर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तभी तो लगाया गया है कि मैं लॉस तो बर्दाश्त करूंगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं करूंगा। यहां आएगा तो बेशक थोड़ा बहुत लॉस हुआ, मैं कट लूंगा यहां से। और प्रॉफिट प्रॉफिट तो इसलिए कि इसकी प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होती है शेयर बाजार की, लेकिन मुझे तो इस लेवल तक मिल जाएगा तो मैं कट लूंगा, फिर देखूंगा कि इसमें क्या करना है। तो इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ख्याल रखें, और फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसमें आने वाले समय में, अब वेट करना पड़ेगा आपको, एक बार जब ऊपर की ओर निकलना शुरू करे तो आप इसमें निकलने का निर्णय ले सकते हैं। तो यही इसमें आपको बताना था। और फ्रेंड्स मन को छोटा ना करो, इसमें आपको मौका मिलेगा निकलने का और आपको अच्छे प्रॉफिट से निकलने का मौका मिलेगा, इसलिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है। RSI का पोजीशन भी आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है, नीचे की ओर जा रही है। MACD का पोजीशन अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तगड़ी सी बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट होने जा रही है। तो प्राइस नीचे आने की पूरी तैयारी है, लेकिन फिर जैसा मैंने पहले बताया, एक बार और बता दूं कि इसमें निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा जब ऑपरेटर इसमें ला करके कहीं ना कहीं प्राइस को रोकेगा और एक बार फिर अपना तिलस्म और अपना नजारा दिखाना चाहेगा कि नहीं नहीं इसकी प्राइस तो अब 600 700 नहीं, अब इसकी 1000 की ओर पैसे बढ़ रहे हैं, आप धीरे से वहां से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।